उत्तराखंड में वन्य जीवों के अवैध शिकार एवं वन्य जीवों के अवैध व्यवसाय पर रोक लगाने के उद्देश्य से एसटीएफ वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो दिल्ली एवं तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी की संयुक्त टीम ने खटीमा क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक टाइगर की खाल और 15 किलो टाइगर की हड्डियों के साथ 4 अवैध शिकारियों को दबोचने में सफलता प्राप्त की है। तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ संदीप कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बीते कई दिनों से कुमाऊं क्षेत्र के जंगलों से वन्य जीवों के अवैध शिकार एवं व्यवसाय की सूचना मिल रही थी, जिस पर दिल्ली वाइल्ड लाइफ क्राइम पेट्रोल एवं एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 वन्य जीव तस्करों को भारी मात्रा में वन्य जीवों के अंगों हड्डियों 11 फीट की एक टाइगर की खाल एवं एक बोलेरो के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए चारों आरोपी किशन कुमार, गजेंद्र सिंह, संजय कुमार, हरीश कुमार जनपद पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, जो इस सामान को खटीमा के रास्ते लेकर जा रहे थे। पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध वन्य जीव अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। वहीं बरामद टाइगर की खाल के लिए कहां शिकार किया गया, इसकी जांच की जा रही है। वन्य जीव तस्करों के विरुद्ध आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। खटीमा से हमारे संवाददाता स्पर्श अग्रवाल की रिपोर्ट। कल जो है लगभग 7:30 बजे हमारे यहाँ पे खटीमा रेंज में जो नेशनल हाईवे है टोल प्लाजा के पास में, जहाँ पे हमें जो है सूचना मिली थी कि कुछ लोग टाइगर की स्किन लेके यहाँ से जा रहे हैं ट्रांजिट में थे। तो उसी क्रम में जो है एसटीएफ जो उत्तराखंड है और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है उनके साथ जो है एक संयुक्त जो है एक अभियान चलाया गया और इसमें टोल प्लाजा के पास जो है 4 लोगों को धर लिया। ये बोलेरो वाहन में थे 4 लोग और ये धारचूला के हैं और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो है इनके मतलब जो मौके पर से जो है इनके पास एक बाघ की खाल वो जो है बरामद हुई है और लगभग अराउंड 10 किलो 400 ग्राम जो है बाकी हड्डियां वो बरामद हुई हैं। तो इसी क्रम में जो है अभी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। इनके नाम जो है एक कृष्ण कुमार है और दूसरा जो है राजेंद्र सिंह है, संजय कुमार है और हरीश कुमार है और ये और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कुछ और लोग भी जो है इनके साथ हैं। ये हाँ देखिए अभी वही जांच का विषय है, अभी चल रही है जांच की कहाँ से आया, क्या आया है और कैसे आया है, कहाँ से लाया गया है, वो उस पर अभी टिप्पणी कर पाना जो है मुश्किल है। बट यही है कि इनसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो है जो भी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।